हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड यू आर वॉचिंग जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप। बच्चों, अपने 11th क्लास में जो चैप्टर सेकंड चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर दिया था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अब अपन जो नया चैप्टर न्यू चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो है चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 जो है अपना नाम क्या हो जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। ये चैप्टर है थर्ड चैप्टर। कुल मिला के इस चैप्टर को आप बोल सकते हैं पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड ये चैप्टर है। हालांकि ये 9th-10th में आपने काफ़ी बार पढ़ा हुआ भी है, याद भी किया होगा, काफ़ी चीज़ें इसके अंदर याद की होगी। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट और पीरियोडिक टेबल जो है, मेन चीज़ होता क्या है, इसमें अपन क्या मेजर चीज़ पढ़ते हैं और क्या अपने काम की ये चीज़ें हैं जो 11th के अलावा 12th में भी सेम काम आएगी, ये चीज़ें अपन इसमें बताते हैं आपको। कैसे पीरियडिक टेबल का यूज़ कहाँ कहाँ आता है और पीरियडिक टेबल होता क्या है। तो चैप्टर के अंदर स्टार्ट करने से पहले पीरियडिक टेबल का अपन मतलब बता देते हैं। पीरियोडिक टेबल का मतलब ये होता है कि एलिमेंट्स को ऐसे अपन को अरेंज करना है एक टेबुलर फॉर्म में, ताकि इनकी प्रॉपर्टीज़ का या इनका मास का या जो भी इनकी प्रॉपर्टीज है उनका स्टडी अपन रेगुलर कर सकें। उसको अपन एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करना है, एलिमेंट्स को अरेंजमेंट करना है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, ये पीरियोडिक टेबल। और इसका मतलब क्या हो गया, पीरियोडिक टेबल का मतलब क्या हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन सिस्टमेटिकली। सिस्टमेटिकली कोई भी एलिमेंट्स को अपन क्लासिफाई करेंगे उसी को अपन क्या नाम दे सकते हैं, पीरियोडिक टेबल, जिसमें अपने को फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ या जो भी इनके नेचर्स हैं उनके बारे में अपन को रेगुलर जो है वो चीज़ें आपको मालूम चल जाए कि किसका पीरियडिक टेबल के अंदर क्या अरेंजमेंट किसके बेस पे किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे किया हुआ है या इनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे किया हुआ है। ये एलिमेंट्स के बारे में अपन पढ़ेंगे पीरियडिक टेबल के अंदर। तो सीधा सा एक वर्ड याद रखना है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट बाय इन सिस्टमेटिकली इन ग्रुप एंड पीरियड्स आर नॉन एज पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को अपन क्लासीफाई करते हैं, एलिमेंट्स को क्लासीफाई करते हैं ग्रुप्स और पीरियड में सिस्टमेटिकली अगर करेंगे तो उसी को अपन क्या नाम देंगे, पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में अपने अलग अलग साइंटिस्टों ने इसके बारे में पीरियोडिसिटी को बताया था, एलिमेंट्स का क्लासीफिकेशन किया था। तो उन साइंटिस्ट के बारे में अपन थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, हालांकि ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन उन साइंटिस्ट को भूलना नहीं है कि जो जिन्होंने अपना वर्क तो किया लेकिन अपन उसको पढ़ भी नहीं रहे। तो उन साइंटिस्ट के बारे में अपन पढ़ते हैं जिन्होंने एलिमेंट्स को अलग अलग क्लासिफाई किया और एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया, उनके नाम अपन बताते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं डोबेराइनर ट्रेड लॉ। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में आता है डोबेराइनर ट्रेड लॉ। तो डोबेराइनर एक साइंटिस्ट है जिसने तीन तीन एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया और तीन तीन एलिमेंट के ग्रुप के बेस पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। और उसने ये बोला फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास सेकंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल होता है। ये जो है डोबेराइनर का ट्रेड लॉ है। तो इसको अपन पहले समझाएंगे फिर लिखते हैं इसके बारे में। एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज किया और एटॉमिक मास के फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास जो है वो सेकंड एटॉमिक मास के बराबर होता है, ये अपन को इसमें समझना है। तो यहाँ सबका ट्रेड बनना पॉसिबल नहीं था, अपन लेते हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। तो लिथियम का एटॉमिक मास जो होता है वो 7 होता है और इसका 39 होता है।
तो दोनों का जब एवरेज करते हैं अपन 7 + 39/2 तो 46/2 आएगा और मास अगर 23, इसका मतलब सोडियम का मास किसके इक्वल होगा 23 के इक्वल। तो फर्स्ट और थर्ड का एवरेज एटॉमिक मास जो है वो सेकंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल होता है, यही जो बता रहा है डोबेराइनर का ट्रेड लॉ। ऐसे कैसे एक और ग्रुप बना सकते हैं अपन, कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन का भी बनाया। हर एक एलिमेंट्स का ट्रेड बनाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए यह ट्रेड लॉ आगे जाके फेल हो जाता है। तो इसकी लैंग्वेज को अपन लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे कैसे इसके अंदर अपन को लिखना है। तो बाय दिस लॉ एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक मास इन विच फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट एटॉमिक मास। इन द ट्रेड, एक ट्रेड के अंदर जो है फर्स्ट और थर्ड का एवरेज एटॉमिक मास होगा वो सेकेंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल होगा, ये ट्रेड लॉ अपन को बताता है डोबेराइनर का ट्रेड लॉ। अब इसने एक तीन तीन एलिमेंट का ग्रुप बना दिया और तीन एलिमेंट के ग्रुप का फर्स्ट और थर्ड का जो मास लिया वो सेकंड के एटॉमिक मास के इक्वल होता है एवरेज मास, ये डोबेराइनर का ट्रेड लॉ था। हालांकि इतना ज़्यादा अब इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि जो अपन लोअर क्लास में जो चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं उसका इम्पोर्टेंस आगे जाके हायर क्लास में थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि अब अपन को न्यू चीज़ पढ़नी है, नई टॉपिक्स पढ़ने हैं, नए डिस्कवरीज पढ़नी है, पुराने पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं देते हैं इसमें अपने न्यू क्लासेज में या सीनियर क्लासेज में। तो ये जो अपन ने एक एग्जांपल देके भी बता दिया कि यहाँ लिथियम और पोटेशियम का एवरेज एटॉमिक मास निकाला मैंने, वो आया 23, और 23 जो मास होता है वो सोडियम के एटॉमिक मास के इक्वल होता है, ये अपन को इसमें ध्यान रखना है। तो ये लॉज इंक्रीजिंग तीन तीन एलिमेंट के ग्रुप के बेस पे अपन ने अरेंज किया है। अब इसके बाद में जो आता है न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ सेकंड, न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ। न्यूलैंड ने एक साइंटिस्ट का नाम है न्यूलैंड, और न्यूलैंड ने आठ एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया, पूरा एक मतलब एक चेन बनाई जिसमें एवरी एट्थ एलिमेंट हैव ए सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, और इसमें भी बेस क्या रहा, एटॉमिक मास। एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज किया और अरेंज करने के बाद में एवरी एट्थ एलिमेंट हैव ए सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम क्या आ गई, ये जो रूल्स जो है ऑक्टेव लॉ ये 20 एलिमेंट एटॉमिक नंबर 20 तक, मतलब जहाँ तक कैल्शियम तक आता है वहाँ तक ये फॉलो होता है, उसके बाद में डी ब्लॉक के एलिमेंट में ये जाके क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो इसके बारे में जो अपन को ध्यान रखना है, एवरी एट्थ एलिमेंट हैव ए सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज विथ इंक्रीजिंग द एटॉमिक मास इन दिस लॉ।
एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अंदर अरेंज किया है और एवरी एट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को यहाँ सेम बताया है। एग्जांपल देके बताएंगे। यहाँ पे आपको लिथियम, लिथियम के बाद कौन आता है, बेरिलियम, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इनर्ट गैस तब तक डिस्कवर नहीं थी, तो वापस अपन सोडियम पे आ जाते हैं। इनर्ट गैस का कोई अता पता ही नहीं था उस समय। तो ये अपन कहते हैं लिथियम जो है ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ। इसका मतलब फर्स्ट का नेचर किसके साथ मिलेगा, एट्थ के साथ। सोडियम के बाद मैग्नीशियम। सेकेंड का नेचर किसके साथ मिलेगा, मैग्नीशियम के साथ। बेरिलियम, मैग्नीशियम के प्रॉपर्टी सेम होती है। तो ये वही है जो म्यूजिकल वोवल्स होते हैं, सेवन वोवल्स जो होते हैं, सारे गामा पादा नी, नी के बाद वापस सा आ रहा है। मतलब एवरी एट्थ जो वोवल्स है वो अपना मैच हो रहा है। तो इसको अपन लिख सकते हैं सा रे गा मा पा दा गा मा पा दा नी सा। तो सा रे गा मा पा दा नी, ये सात हो गए और ये एट्थ। तो एवरी एट्थ जो वोवल है वो अपनी सेम प्रॉपर्टीज बता रहा है, सेम नाम आ रहा है। इसका मतलब एलिमेंट्स को भी इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेस पे अरेंज करेंगे तो एवरी एट्थ एलिमेंट हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, बट इट इज़ एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। एटॉमिक नंबर 20 तक ही ये एप्लीकेबल हुआ। तो इसकी लैंग्वेज को लिख देते हैं फिर समझा देते हैं। एलिमेंट्स आर अरेंज विथ इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक मास, देयर एटॉमिक मास इन विच एवरी एट्थ एलिमेंट हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज और इट इज एप्लीकेबल अप टू, इट इज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम CA। कैल्शियम तक ये एप्लीकेबल हुआ। इसके बाद में ये रूल फेल हो जाता है। और क्यों फेल होता है, क्योंकि उसके बाद में कौन से एलिमेंट आ गए, डी ब्लॉक के, और डी ब्लॉक इनको फॉलो नहीं करता है। तो ये अपन ने म्यूजिकल वोवल्स के बेस पे इनको एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर तक अरेंज किया है एटॉमिक मास के। और एवरी एट्थ एलिमेंट हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज नॉन एज न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ। अब इसके बाद न्यू लॉ की बात करते हैं। हालांकि ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, बुक्स में भी नहीं दे रखा है, लेकिन फिर भी एक मेरा काम है कि भाई बताना है थोड़ा सा। कुछ भी अगर आता है, कोई नई चीज़ है या कोई टॉपिक नहीं रहता बुक में भी, वो थोड़ा बहुत अपन बता देते हैं। हालांकि उसको डिटेल में नहीं समझाएंगे, लेकिन आपको मालूम तो होना चाहिए उसके बारे में। तो न्यू लैंड के बाद में एक कर्व आता है, वो आता है लोथर मेयर। लोथर मेयर कर्व, इसने कर्व के थ्रू एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया। और कर्व में जो सेम पोजीशन पे एलिमेंट आए, सेम सिचुएशन पे आए, उनको मान लिया कि ये सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं। और इसने एक कर्व बनाया एटॉमिक मास
और एटॉमिक वॉल्यूम के रिगार्डिंग एक कर्व बनाया जिसमें एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया, लेकिन वो कर्व भी आगे सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि जैसे जैसे नए नए एलिमेंट आते हैं उन कर्व में भी फ्लक्चुएशन मिलने लग गया। तो एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बेस पे ये कर्व अपन को अरेंज करना है। यहाँ तो आ जाएगा एटॉमिक वॉल्यूम, और ये इधर क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास। तो एलिमेंट को अरेंजमेंट तो मास के ऑर्डर पे ही किया है, इंक्रीजिंग द एटॉमिक मास, लेकिन कर्व इस टाइप से आया है, ये ऐसे कर्व आया। इसका मतलब यहाँ पर जैसे कर्व के अंदर जो टॉप पे आए हैं वो एल्कलाइन मेटल्स रखे हैं, लिथियम, अब इसके बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये सॉरी लिथियम के बाद बेरिलियम आता है, तो अपन को यहाँ लिखना पड़ेगा बेरिलियम वगैरह। लिथियम के बाद आ जाता है बेरिलियम, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन नॉन मेटल्स है, ये इधर असेंडिंग ऑर्डर में है। वापस यहाँ सोडियम आ गया, तो सोडियम के बाद मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम। तो देखो यहाँ इस कर्व के अंदर यहाँ जाते जाते पोटेशियम आ गया। तो देखो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के जो वॉल्यूम्स है वो बहुत ज़्यादा है, इनको पीक पे रखा है। तो जो जहाँ सिचुएशन है इनकी प्रॉपर्टी सेम हो रही है, इनका वॉल्यूम ज़्यादा है तो इनको पीक पे रखा है, और इसमें एलिमेंट्स को किसके बेस पे अरेंज किया, विथ इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के ऑर्डर पे इनका अरेंजमेंट किया। तो यहाँ पीक पे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनका मास, इनका वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में जो एलिमेंट अरेंज किए हैं वो आएंगे आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और उसके बाद 13 ग्रुप के एलिमेंट बोरोन, एल्यूमिनियम वगैरह। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, और असेंडिंग ऑर्डर में जो अरेंजमेंट किया हुआ है वो जनरली नॉन मेटल्स का किया है। इसके बेस पे एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में कर्व के थ्रू अपन ने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया। ये कर्व दिया था साइंटिस्ट लॉथर मेयर। अब जो पीक पे आ गए इनकी प्रॉपर्टी सेम है, प्रॉपर्टी सेम का मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टी सेम मिलेगी। डिसेंडिंग ऑर्डर में जो एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे अपने एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, असेंडिंग में आएंगे वापस नॉन मेटल्स, और पीक पे जो रखे हैं वो कौन से रखे हुए हैं यहाँ पे, एल्कलाइन मेटल्स। और इसी को कर्व को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, समझाया है। तो ये कर्व था लॉथर मेयर का, कर्व फॉर एटॉमिक एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया। लेकिन आगे ये कर्व जाके वापस अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं रहता, इसके बेस पे अपन इस कर्व को नहीं पढ़ते, और बुक्स में भी इतना ज़्यादा कर्व के अंदर नहीं दे रखा है। अब अपन आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो अपना बेसिक चीज़ यहाँ से स्टार्ट होता है, और हालांकि ये 9th-10th में भी आपने पढ़ी हुई है, लेकिन अब यहाँ पे भी आपको थोड़ा ध्यान देना है वो कि वो चीज़ें उल्टा वहाँ से अब कम है, क्योंकि अब नई चीज़ें अपन को ज़्यादा पढ़नी है पुरानी चीज़ों के कंपेरिजन में। तो अब आ जाएगा आपने 4th जो टॉपिक आएगा, मेंडलीव। पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव ने, अब यहाँ से अपन चैप्टर भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है एक्चुअल में। पहले जो अपन ने कुछ भी बोला है, कुछ भी कहा है, वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि अब ज़्यादा यहाँ इसमें इम्पोर्टेंट आएगा। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल वर्ड भी यहीं से स्टार्ट हुआ, मेंडलीव से। और मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दिया है वो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड्स और ग्रुप को, ग्रुप के अंदर 63 एलिमेंट्स का डिवाइडेशन कर दिया था। उसके बाद में जैसे जैसे न्यू एलिमेंट्स आए उसमें अरेंज करते गए। तो एलिमेंट्स का सबसे पहले ग्रुप और पीरियड में क्लासिफिकेशन करने वाले साइंटिस्ट का नाम कौन है, मेंडलीव। तो मेंडलीव एक ऐसा साइंटिस्ट है जिसने एलिमेंट्स को ग्रुप्स और पीरियड्स में डिवाइड किया, लेकिन उसका बेस थोड़ा गलत था,
कि उसने एटॉमिक मास का यूज करके उसको एलिमेंट्स को अरेंज किया. तो एलिमेंट्स आर अरेंज विथ इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक मास. और इसके अंदर जो एंड्स का लॉ होता है, पीरियडिक लॉ लिखना जरूरी होता है. पीरियडिक लॉ क्या है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शन, पीरियडिक फंक्शन फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास. मेन चीज ये है, एटॉमिक मास पे इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया है. और एलिमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन या अरेंजमेंट किया है विथ इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक मास के बेस पे, टेबुलर फॉर्म में किया है. और इसके नीचे अपन लिख सकते हैं एलिमेंट्स आर अरेंज इन इन पीरियड पीरियड्स एंड ग्रुप विथ इंक्रीजिंग देयर विथ इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक मास. एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन पीरियड्स और ग्रुप में. अब बताओ पीरियड्स किसको बोलते हैं और ग्रुप किसको बोलते हैं? तो आपको ये मैं बता दूं, यहाँ पे जैसे वर्टिकल्स लाइंस में बता रहा हूँ, ये वर्टिकल्स कॉलम्स जो है इनको अपन क्या बोलेंगे? पीरियड्स. ये है पीरियड्स. और ग्रुप किनको बोले, सॉरी ये पीरियड्स नहीं है, ये वर्टिकल रो, इनको तो बोलेंगे ग्रुप. वापस एक बार चेक करो, देखो ग्रुप किनको बोलेंगे? ये ऊपर से नीचे चलते हैं उनको क्या बोलेंगे अपन? ग्रुप. और ये जो हॉरिजॉन्टल रो है इनको आप नाम दोगे पीरियड्स. तो जो हॉरिजॉन्टल रो है इसको पीरियड्स, और वर्टिकल कॉलम्स जो है इनको ग्रुप नाम देंगे. ग्रुप और पीरियड्स में क्लासिफाई करने वाला सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट ही था कौन? मेंडलीव. और मेंडलीव ने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया विथ ग्रुप एंड पीरियड्स के साथ इनका क्लासिफिकेशन किया. तो कुछ मेन फीचर्स इसके अपन समझाते हैं ताकि ये पीरियडिक टेबल अपने आगे काम भी आती है, तो कैसे इनका यूज लेना है. तो पीरियड्स और ग्रुप में एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया, लेकिन इतने ज़्यादा एलिमेंट्स थे नहीं उस समय, डिस्कवर्ड नहीं थे. जितने भी थे 63 एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन में पीरियड्स और ग्रुप्स में कर दिया गया था. इसने क्या किया था, कितने पीरियड और कितने ग्रुप बनाए ये अपन डिटेल में अपन समझा देते हैं. तो सबसे पहले अपन कहते हैं फर्स्ट टू सेवंथ इसने बनाया ग्रुप, जिसके दो पार्ट कर दिए ए एंड बी, एक से लेके सात. वैसे टोटल 8 ग्रुप थे इसके पास, 8 ग्रुप में से भी एक से लेके सात तक ग्रुप के दो पार्ट किए, ए और बी. एट्थ ग्रुप को डिवाइड नहीं किया, एट्थ ग्रुप इज़ नॉट डिवाइडेड, ठीक है ना. एक ज़ीरो ग्रुप और बनाया लास्ट में, और ज़ीरो ग्रुप के अंदर कौन सी गैसेज रखी है इसने? नॉबल गैसेज. नोबल गैसेज को इसमें अरेंजमेंट किया, लास्ट में रखा है ये, आगे जगह नहीं थी बीच में, तो उसने लास्ट में अरेंजमेंट कर दिया है. नोबल गैसेज को जीरो ग्रुप में डाल दिया. तो टोटल अगर यूं देखें तो 9 ग्रुप हो गए. फर्स्ट टू सेवन्थ है, ग्रुप ए और बी में डिवाइड कर दिया, एट्थ ग्रुप को डिवाइड नहीं किया. टोटल 9 एलिमेंट एट्थ ग्रुप में रखे इसने. जीरो ग्रुप में नोबल गैसेज या इनर्ट गैसेज को रख दिया है. अब पीरियड कितने बनाए? 1 to 7th पीरियड बनाए.
1 to 7th पीरियड, और इस पीरियड्स के अंदर अपन कहते हैं फर्स्ट पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट, फिर 8 एलिमेंट, फिर 8 एलिमेंट, फिर 18 एलिमेंट, फिर 18। हालांकि उस समय ये सारे डिस्कवर्ड नहीं हुए थे, लेकिन पीरियड्स के अंदर भी एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन इसके बेस पे किया है, 2, 8, 8, 18, 18, 32, फिर 32 भी आना चाहिए, लेकिन उस समय इतना ज़्यादा डिस्कवरी हुआ नहीं था एलिमेंट्स का। तो ये इसमें 1 से लेके 7 पीरियड, पीरियड किन को बोलते हैं अपन ने बता दिया, ये जो हॉरिजॉन्टल रोज है इनको अपन क्या बोलेंगे पीरियड, और वर्टिकल कॉलम्स है इनको क्या बोलेंगे ग्रुप। 1 से 7 ग्रुप को ए और बी पार्ट में डिवाइड किया, लेकिन 8th ग्रुप को डिवाइड नहीं किया, और यहाँ 0 ग्रुप एक अलग अरेंज किया, वो पीरियोडिक टेबल के लास्ट में कर दिया इसका प्लेस, क्योंकि उस समय नोबल गैसेज की डिस्कवरी नहीं हुई थी, लेकिन खाली स्पेस था उसको पीछे ब्लॉक में अरेंज कर दिया गया, तो 0 ग्रुप में नोबल गैसेज आ गई। तो टोटल 9 ग्रुप और 7 पीरियड में एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन मेंडलीव ने किया, लेकिन करने का बेस था इसका एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनका अरेंजमेंट किया। अब देखो यहाँ अपन को इसमें कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी आए, और ड्रॉबैक्स ये थे कि कुछ एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास जो है वो मिसमैच था, लेकिन उनको भी अरेंजमेंट कर दिया गया प्रॉपर्टीज़ के बेस पे। जैसे अपन कहते हैं कोबाल्ट और निकल, कोबाल्ट और निकल, कोबाल्ट का होता है 58.9 और इसका 58.7। अब पहले जो मास आना चाहिए वो निकल का आना चाहिए, एटॉमिक मास के बेस पे अगर अरेंजमेंट करेंगे तो निकल को पहले अरेंज करेंगे और फिर किसको करेंगे यहाँ पे कोबाल्ट को, लेकिन करा किसको कोबाल्ट को पहले कर दिया, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज सेम थी, इसके बेस पे प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा वेरिएशन था, तो यहाँ कोबाल्ट पहले लिखा फिर निकल को लिखा। तो यहाँ कुछ जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, एक जो है मेन दिक्कत ये थी, अगर अपन कहते हैं एटॉमिक मास के बेस पे अरेंजमेंट किया तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप है, 1H1, 1H2 और 1H3, तो आइसोटॉप को स्पेस ही नहीं मिला, हाइड्रोजन की पोजीशन भी फिक्स नहीं थी। तो कुछ ड्रॉबैक्स अपन बताएंगे, फर्स्ट चीज़ तो हाइड्रोजन की पोजीशन अभी जो नई वाली टेबल है उसमें भी फिक्स नहीं है, लेकिन ये पुरानी ड्रॉबैक्स चलती आ रही है, हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं फिक्स नहीं है इसके अंदर। दूसरा, इसके अंदर आइसोटॉप्स आर नॉट प्लेस्ड इन दिस पीरियोडिक टेबल, आइसोटॉप्स को यहाँ स्पेस नहीं मिला। फ्यू प्रॉब्लम्स या फ्यू अपन कहते हैं फ्यू प्रॉब्लम्स आर फाउंड इन द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, जैसे इसमें 58.9 जो मास होता है वो किसका है कोबाल्ट का, लेकिन 58.7 है वो निकल का, लेकिन 58.9 को पहले लिख दिया और 58.7 को बाद में लिख दिया, ऐसे कैसे। यहाँ आर्गन और पोटेशियम कैल्शियम, और उससे पहले क्या आता है आर्गन, तो कैल्शियम पोटेशियम का मास कितना होता है 39 और इसका 18 और 14, तो आर्गन का मास एटॉमिक मास होता है 40, लेकिन उसको पहले रख दिया, किससे पहले रख दिया पोटेशियम से पहले रख दिया, पहले पोटेशियम आना चाहिए फिर आर्गन आना चाहिए, तो इसके बेस पे इसने अरेंजमेंट किया। लेकिन कुछ जो है इसमें ड्रॉबैक्स आए हैं, फर्स्ट ड्रॉबैक्स एटॉमिक मास को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया, सेकंड आइसोटॉप्स को प्रॉपर प्लेस नहीं मिला, और थर्ड हाइड्रोजन का प्लेस अभी भी फिक्स नहीं है। ये चीज़ें, इसके अलावा कुछ चीज़ें और है कि अलग अलग एलिमेंट जो है जिनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं थी उनको सेम ग्रुप में रख दिया, जिनकी प्रॉपर्टीज अगर सेम नहीं थी, जैसे अपन ने कहा फर्स्ट ग्रुप के अंदर ए और बी दो पार्ट करे हुए, ए और बी दो पार्ट करे हुए, अब ए में और बी में ऐसे एलिमेंट को रख दिया जिनके साथ इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम नहीं थी, तो उनको साथ साथ में रख दिया, तो कुछ यहाँ मिस्टेक अपन इस मेंडलीव के थ्रू मिली। लेकिन सबसे जो प्रॉपर वर्क जो किया था इसने, सबसे पहले पीरियडिक टेबल का अरेंजमेंट किया था, ये मेजर वर्क है इसके अंदर। तो ये 3-4 इसकी ड्रॉबैक्स हो गई,
और मेरिट्स जो है कुछ मेरिट्स भी है। मेरिट्स ये है, न्यू एलिमेंट्स की डिस्कवरी में अपन को फ़ायदा मिला। न्यू एलिमेंट्स कौन से? एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। तो यहाँ अपन बता देते हैं एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। जैसे एल्यूमिनियम और सिलिकन, इनके नीचे जो एलिमेंट आते हैं गैलियम और जर्मेनियम, तो इनकी डिस्कवरी जो है उसके बाद में हुई। तो न्यू एलिमेंट्स कैन बी डिस्कवर्ड आफ्टर द आफ्टर दिस पीरियोडिक टेबल। एका एल्यूमिनियम विच इज लेटर नॉन एज गैलियम एंड एका सिलिकन दैट इज नॉन एज जर्मेनियम। तो ये एलिमेंट्स को अपन को डिस्कवर्ड करने में ईजी मिला। और सबसे पहले ये फ़ायदा है कि ग्रुप्स और पीरियड में जो क्लासिफिकेशन किया है वो सबसे पहले किसने किया है? मेंडलीव ने। प्रॉपर जो है एलिमेंट्स का, जो अपन कहते हैं सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स जो है उनको सेम ग्रुप में रखा गया, तो ये भी एक फ़ायदा हुआ। लेकिन डिफरेंट वाले को अलग अलग ग्रुप में रखा गया, तो ये जो इसके मेरिट्स बताए, दो तीन मेरिट्स है जिसमें न्यू एलिमेंट्स की डिस्कवरी एक मेन चीज़ है। दूसरा जो है इनके बाद में अपन कहते हैं प्रॉपर क्लासिफिकेशन जो एलिमेंट्स का ग्रुप्स ऑफ पीरियड में मेंडलीव ने किया। तीसरा जो है सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को एक ही ग्रुप में अरेंजमेंट किया ताकि अपन इसको प्रॉपर स्टडी कर सकें। ये इनके कुछ अपन को मेरिट्स और डीमेरिट्स जो है इसके मिले। तो अपन इसको लिखवा देंगे, लिख देते हैं ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। पीरियडिक लॉ तो लिख दिया, कुछ मेरिट्स लिखेंगे और कुछ डीमेरिट्स लिखेंगे ताकि अपना रिटर्न वर्क पूरा हो जाए। तो नेक्स्ट पेज में इसको लिखते हैं अपन मेरिट्स। फ्यू एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड by this periodic table like eka aluminium and eka silicon that is later, later का मतलब बाद में, non as gallium and germanium, gallium and germanium elements are classify in groups and periods, groups and periods by this periodic table, by this periodic table the elements which have same physical and chemical properties, physical and chemical properties and chemical properties are placed in same group। तो ये इसके कुछ मेरिट्स है। अब इसके बाद में नेक्स्ट पेज पे इसके कुछ डी मेरिट्स भी अपन लिख देते हैं। डी मेरिट्स डी मेरिट फर्स्ट पॉइंट है हाइड्रोजन
इज नॉट प्रॉपर प्लेस्ड, प्रॉपर प्लेस्ड, हाइड्रोजन को जगह मिली नहीं। दूसरा ये है आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंट्स कुड नॉट बी प्लेस्ड, कुड नॉट बी प्लेस्ड, आइसोटॉप को भी प्रॉपर जगह नहीं मिली। सम डिसिमिलरिटीज आर फाउंड इन एटॉमिक मास लाइक कोबाल्ट एंड NiCl, निकल। और लास्ट इसका फोर्थ, डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, सेम ग्रुप। तो ये इसके डीमेरिट्स हो गए मेंडलीव के। तो अपने जो बता दिया सारा, मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, पीरियडिक टेबल क्या है, ग्रुप्स क्या होते हैं, पीरियड्स क्या होते हैं, ये मेंडलीव की पीरियडिक टेबल को अपन प्रॉपर कैसे स्टडी करेंगे, ये सारी आज की क्लास में अपन ने बताया। तो आज की क्लास अपन यही फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। ओके।